गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्ण जी, सबको कैसे हैं सब लोग। तो आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से होंगे। और देखिए, अभी मैं ब्रश कर रही हूँ और तैयार होके जा भी रही हूँ साथ में। तो ऐसा ही करना पड़ता है जब कहीं जाना होता है ना, बच्चे भी साथ में लेके जाना है, घर का काम भी निपटाना है, तो साथ में दांत साफ़ करने का टाइम नहीं था, तो चलते चलते कर रही हूँ। और यहाँ पर बावड़ी के पास ही मैं अभी साफ़ करूँगी, तो ब्रश को करके ना मैं इसको पर्स में ही रख दूँगी अभी। तो सुबह के टाइम ना काम में लगी हुई थी और टाइम नहीं लग पाया। आज मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और आज है शनिवार। तो ये शनिवार का ब्लॉग है 4 जून का, और यहाँ पे मैं कुरला कर रही हूँ। और बस यहाँ पे ब्रश को मैंने एक बार धो लिया था ना, और उसके बाद दोबारा मैं ब्रश फेंटती हूँ मुँह में। मुझे ना पेस्ट मुँह में नहीं रहना चाहिए, उससे फिर बार बार प्यास लगती रहती है, और अगर कहीं सफ़र में जाना हो ना तो फिर तबीयत भी ख़राब होती है। तो मैं दोबारा से फिर से कर लेती हूँ। और पतिदेव जो है वो अभी पहुँचे नहीं थे, क्योंकि वो वाया वाया घूम के आते हैं ना, और मैं घर से पैदल पहुँच गई थी बावड़ी के पास को। तो बस अभी जब गाड़ी आ जाएगी तो उसमें बैठ के हम जाएंगे। और आज सभी जा रहे हैं, नैना है, सार्थक है, धैर्य, सभी जा रहे हैं, क्योंकि मीटिंग में जाना है। तो मम्मी ने भी जाना था, मम्मी भी घर में नहीं थे, और फिर सार्थक को किसके पास रखती, तो फिर सभी को तैयार किया हुआ है। और यहाँ पे ब्रश करके कुरला करके मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो बस ब्रश तो मैं चलते चलते ही करती हूँ। सुबह के टाइम बिज़ी होती हूँ काम में, सुबह से उठ के मैं वैसे करती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहुँच गई थी नैना के स्कूल। आज नैना के स्कूल में भी बुलाया गया था, और दूसरे दिन को, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो भी था, तो धैर्य के स्कूल में भी। तो नैना के स्कूल में सुबह 9 से 12 बजे तक बुलाया हुआ था, 9 to 12, और उसके बाद धैर्य के स्कूल में 12 से आगे थी। तो ये भी अच्छा है, नहीं तो अगर दोनों की एक ही टाइम पे होती ना तो मुश्किल हो जानी थी, फिर एक ही टाइम पे दोनों जगह कैसे अटेंड करती। तो ये देखिए, अभी हम वापस आ चुके हैं यहाँ से स्कूल से। ज़्यादा मैंने कुछ भी यहाँ पर कैप्चर नहीं किया। स्कूटी तो अभी चल रहे हैं हम अभी वापस घर की ओर। तो बस नैना के स्कूल से आने के बाद एक दो सामान मुझे लेना था, वो मैंने लिया, और अभी हम वापस आ गए हैं घर जाने के लिए। तो गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगाई हुई थी, और पार्किंग में से गाड़ी ली, और अभी देखिए मैं फिर से जा रही हूँ अब धैर्य के स्कूल। तो यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मिलने वाली है, और ये देखिए लोगों ने ना पोल बिन लगाई हुई है नीचे को, खेत में लगी हुई है। लेकिन धूप इतनी तेज़ थी ना कि सारी चीज़ें मुरझाई मुरझाई सी दिख रही थी, लेकिन चारों ओर हरियाली है यहाँ पे काफ़ी अच्छी। और इस बारी ना मैं दूसरे वाले रास्ते से घूम के गई, क्योंकि जहाँ से पहले जाते थे ना शॉर्टकट से, वहाँ पे जिन लोगों का था ना, मतलब उन्होंने बंद कर दिया वहाँ से, तो वहाँ से बच्चे स्कूल को बहुत जल्दी पहुँच जाते थे, लेकिन वहाँ से जिनका था मतलब खेत लगता था, उन्होंने बंद कर दिया वहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे मीटिंग में, तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही कैमरा ऑन किया था, और मैं सोची थी कैप्चर करूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो टीचर्स सोचेंगे कि पेरेंट्स जो हैं खुद ही फ़ोन में इतने लगे रहते हैं, तो बच्चों को क्या वो देंगे, पढ़ाएंगे, मेरा मतलब ना बच्चे क्या सीखेंगे। तो यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर भी बताया जा रहा था, और थोड़ी बहुत और भी चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बच्चों के FA2 जो है वो शुरू होने वाले हैं अब 1-2 हफ्ते में, तो उससे उसके रिगार्डिंग भी हमारे को यहाँ पे बुलाया हुआ था। तो हम सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, और यहाँ पे जो सर हैं इन्होंने एक निपुण भारत अभियान जो चल रहा है उसके बारे में भी बताया। तो ये सारे गवर्नमेंट स्कूलों में अप्लाई हो चुका है, दी गई है, एक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है ये निपुण भारत अभियान। इसमें सभी अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, अभिभावक जो है इस अभियान में, अब ये अभियान खैर अभी प्राइमरी और मिडिल सेंटर के बच्चों का तो ये है, अनुशिक्षण कार्यक्रम भी है। तो ये जो अभियान है वो 8th से ऊपर के क्लास के बच्चों के लिए ही है, लेकिन फिर भी सबको बताया जा रहा था इसके बारे में। तो इसमें काफ़ी अच्छा ही हो गया कि बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, उसको उसी साइड की पढ़ाई करवाई जाएगी। हाँ जी, तो अभी है शाम का टाइम, शाम के बज चुके हैं 6, और मैं जा रही हूँ अभी खेत की साइड। तो मैं सोची थी कि सब्जी में क्या बनाऊँ। हमने लगाई हुई है गोभी, तो देखिए आती हो कि कहीं सब्जी लायक तैयार तो नहीं हुई उसमें। चलिए आज बहुत दिनों के बाद चलते हैं खेत में।
आजकल इतनी तेज धूप है ना, देखिए गोभी के पत्ते जो है वो कैसे गिरे हुए इधर उधर। और इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ सब्जी के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो कुछ सब्जी सब्जी लेके आती हूँ, खेत में हुई होगी हमारी अपनी गोभी तैयार। तो इसमें दिख तो नहीं रही है इतनी, थोड़ी थोड़ी ऐसी अभी तो छोटे छोटे हैं फूल। और यहाँ पे ये देखिए, तो कल है ना विश्व पर्यावरण दिवस, तो उसके उपलक्ष्य में आज ही मना दिया गया है स्कूलों में, क्योंकि कल है संडे छुट्टी है, तो विश्व पर्यावरण दिवस को आज ही मनाया गया स्कूलों में, इसलिए रैली वगैरह निकाली गई। जितने मैं स्कूल में पहुंची ना, मतलब हमें 12 बजे से बुलाया था पेरेंट्स को दहरे के स्कूल में, उतने में वहाँ पर रैली हो चुकी थी। और बाकी बस हमने वहाँ पे मीटिंग अटेंड करी, आगे बच्चों के लिए ना बच्चों की पूरी वो दी जाती है कि क्या आपका बच्चा कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और क्या परेशानी हमें आ रही है, तो हम अपनी परेशानी साझा करते हैं वहाँ पे टीचर्स के साथ। और काफ़ी अच्छा सिस्टम है, मतलब अब सरकारी स्कूल में हुआ कि हर महीने आपको मीटिंग में जाना ही पड़ेगा, हर महीने लगभग हर महीने मीटिंग हो जाती है इनकी, तो कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है तो उसमें जाना पड़ता है, तो बच्चे की ना पता भी चलती रहती है कि क्या बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्या बच्चे के साथ टीचर्स को परेशानी आ रही है, क्या हमें परेशानी आ रही है। तो बस ऐसा ही था कुछ। और साथ में हमारे बच्चों को ट्रैक सूट लगाए गए ना, तो वो भी दिए हुए थे। और थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, चेंज सा हो जाता है, वैसे तो बहुत स्कूलों में काफ़ी पहले से लग चुके हैं ट्रैक सूट, लेकिन यहाँ पे नहीं लगे थे उस स्कूल में जहाँ पे हमने डाला हुआ है अभी, और इसलिए वहाँ पे भी ट्रैक सूट उन्होंने लगा लिए। तो उसके लिए चार्जेस पेरेंट्स से ही किया गया, जो सरकारी मिलती है ना ड्रेस वो तो ऐसी मिलती है स्कूल से जो नॉर्मल मिलती है, जो ये ट्रैक सूट हैं ये नहीं मिलते, ये पेरेंट्स को खुद ही बनवाने पड़ते हैं, तो इसके लिए उन्होंने हमसे ही चार्ज किया था। और इतनी मक्खियाँ हैं ना खेत में यहाँ पे कि क्या ही बताऊँ मैं, एक ही मक्खी है बार बार मुँह के सामने आ रही है। तो चलिए मुझे हो जाएगी लेट, मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो आखिर में ना मुझे मिल ही गया एक फूल गोभी का, और दो तीन यहाँ पे शिमला मिर्च भी मिल गई छोटी छोटी, तो उसको भी ले जाऊँगी, आलू के साथ हो जाएगी बनाने को। मेरे ना नैना को है बहुत पसंद शिमला मिर्च। और ये देखिए टमाटर खेत, यहाँ पे टमाटर में डोरी बन चुकी है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा था थोड़ा सा घास भी, हरा घास, तो मैं सोचा कि खाली क्यों जाना घर को, थोड़ा बहुत हरा घास है जो यहाँ से ले चलती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा घास है वो। ये देखिए ये है वो पत्ती ना, इसको बोलते हैं स्यारू, हमारे स्यारू बोलते हैं, और मुझे लगता है शायद पूरे हिमाचल में होता होगा। इसके ऊपर से पत्ते हरे होते हैं और इधर देखिए नीचे से इसके पत्ते सफ़ेद होते हैं, तो इसको बोलते हैं कि शायद ये ठंडा होता है खाने को ना, और पशुओं के लिए अच्छा होता है हरी डाली के रूप में, तो इसी का बनाऊँगी मैं एक पुलटा। तो ये जो यहाँ पे मैं डाली काट रही हूँ ना, स्यारू बोलते हैं इसको, और इसमें ना कीड़े भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी ना लगे नहीं हुए थे यहाँ पे इसमें कीड़े, क्योंकि ना इसकी जो ये तना होता है ना शायद मीठा होता है, इस वजह से इसमें ना कीड़े लगते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी खारिश वाले कीड़े होते हैं, उनसे खारिश लगती है, तो बहुत ज़्यादा होते इसमें। लेकिन यहाँ पर मुझे ये हरा भरा दिख रहा था और अच्छा सा लग रहा था। आजकल पता क्या है, कुछ भी नहीं है अच्छी सी डाली पशुओं को खिलाने के लिए, हरा चारा जो खेतों में लगता था ना हमारे, वो अभी हुआ ही नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, और जो पानी है वो फसलों की सिंचाई के लिए यूज़ होता है, और घास जो है फिर उसके लिए नहीं हो रहा इतना, और बारिश नहीं हो रही, ऊपर से जो आग लगी है उससे पूरा जंगल भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे इसलिए जहाँ कहीं भी हरी सी डाली दिखती है ना गायों के लिए, तो फटाफट से दौड़ के हम उसको काट ही लेते हैं। तो वैसे तो ना खेतों में हमारे तो चलो तब भी है ही थोड़ा बहुत, जाने की देरी है, मतलब जाना घर से निकलना तो पड़ेगा, तो तब मिल ही जाता है कुछ ना कुछ ना, लेकिन कई लोग ऐसे जिनके कुछ भी नहीं है बेचारे, उनके बहुत मुश्किल है हुई भी।
तो यहाँ पे देखिए मैंने गटका बांध दिया और ये रहा मेरा बैग। तो चलिए चलते हूँ, 6:30 होने वाले, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो खेत से आके अभी यहाँ आंगन में ही बैठ गई थी मैं, बाहर जहाँ भी चूल्हा है ना वहाँ पे, क्योंकि गर्मी होती है ना तो हम बाहर ही बैठ जाते हैं, बाहर हवा भी चलती रहती है और काम भी होता रहता है। और बाकी सभी बैठे हुए थे यहाँ पे, मम्मी, पतिदेव और साथ में मेरे ननद जी, तो वो भी आए हुए हैं। जैसे सैटरडे है ना तो आज वो भी आए हुए हैं, एक दिन की छुट्टी है, फिर वो संडे की शाम को चले जाते हैं, क्योंकि फिर परिधि जो है उसको स्कूल जाना होता है ना। तो बस यहाँ पे मैं गोभी जो है उसको काटने लग गई हूँ। तो आजकल क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह की होती है, कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसको धोना भी खुले पानी में पड़ता है। तो इसको काटूंगी मैं और फिर खुले पानी में धोऊंगी। ये देखिए मैंने पत्तियाँ साइड को कर दी ना, और सिर्फ फूल फूल ही निकाला है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग होता है, तो हम जब खुद की होती है ना हमारे, तो हम फूल ही खाते हैं ज़्यादातर। और वैसे तो पत्तियाँ वगैरह भी सर्दियों में होती है ना, जब तो सर्दियों में तो हम पत्तियाँ वगैरह भी काटते हैं, इसकी डंठल वगैरह ना बहुत टेस्टी लगते हैं वो भी। और यहाँ पे मैं पतिदेव को बोली थी कि गोभी में ना स्प्रे करवाओ, क्योंकि इसमें ना कीड़े लगने शुरू हो गए बहुत सारे। कीड़े तो नहीं, मतलब एक धूल धूल सी होती है ना वो लगती है इसमें गोभी में बहुत ज़्यादा, जो फ्लाई होती है ना वो वाली वाइट फ्लाई, वो लग रही है। और तो पतिदेव बोल रहे थे कि अभी करी है इसमें स्प्रे, आजकल गर्मियों में ना बहुत मुश्किल होती है, तो बोलते हैं ना कि कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल भी फसल जो है हम ले नहीं पाते। अब तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है, कीटनाशक का प्रयोग ना करेंगे तो कोई फसल नहीं होती। वैसे अगर इस तरह से हो जाए ना कि कीटनाशक का प्रयोग ना हो और फसल हो जाए, तो कितना अच्छा हो, किसानों का कितना सारा खर्चा भी बच जाएगा। और यहाँ पे मैं थंबनेल के लिए देख रही थी ये, क्योंकि मुझे पिक निकालनी थी यहाँ से, और मम्मी देख रहे थे यहाँ पे कि मैं अभी देखती हूँ जरा कैसा कीड़े इसमें जो है लगे हुए हैं। तो कीड़े तो मतलब नहीं है, जो होती है ना वो एक, जो किसान लोग हैं उनको पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो वो इसमें गोभी में लगना शुरू हो गया है। ये धूप की वजह से होता है, और जैसे कम पानी होता है ना उससे, और जैसे कीटनाशक नहीं होते हैं अभी प्रयोग ज़्यादा, तो उससे भी हो जाता है। इसको हम अभी मैंने 2-3 पानी में अच्छे से धो लिया, और अभी ना मैं इसको पहले थोड़ा सा उबाल लूँगी, थोड़ा सा उबाल करूँगी इसको, ताकि जितना भी डर्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, वो साफ हो जाए। तो ये देखिए गैस पे मैंने पतीले को चढ़ा दिया है, और इसको ना हम बॉयल आने तक, मतलब जब तक ये पानी उबल नहीं जाता, ताकि इसमें जो भी डर्ट है ना वो निकल जाए, साफ हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो इसमें ना लगभग 5 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ भी देखिए मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है इन गोभियों को, अभी मैं इसको निकाल दूँगी डब्बे में को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में डाला है मैंने तेल, और उसमें डाल दिया है साबुत मेथी दाना, ऊपर से डाल दिए हैं प्याज, और साथ में मैंने आलू भी कट कर लिए हैं। तो मैंने आलू ना बॉयल करके रखे हुए थे सुबह ही, तो उनको मैंने काटा है। तो 5 जो मीडियम साइज़ के आलू हैं वो मैंने काटे। यहाँ पर देखिए थोड़े से प्याज भुनने के बाद 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची और 1 चम्मच हल्दी डाला है। बस जो नॉर्मल से मसाले होते हैं वही डाली हूँ, ऐसे ही भी अच्छी लगती है सूखी सब्जी जो होती है ना गोभी की, और क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद खा रहे हैं, अपने घर की है तो तब तो और अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे गोभी इसमें डाल दूँगी सारी की सारी, और यहाँ पर इसको कर लूँगी मिक्स। तो गोभी जो है वो भी पहले 50 से 60% पकी भी है, आलू उबले हुए हैं, तो इस सब्जी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, पहले ना बॉयल कर लेनी होती है गोभी। तो यहाँ पे मैंने ना धनिया का पाउडर जो है वो भी डाल दिया है, मतलब हरे पत्तियों का पाउडर, हरे धनिया की जो पत्तियाँ होती है उसका पाउडर डाला है, इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस साथ में लगाई थी हमने रोटियाँ, गोभी की सब्जी थी, रोटी थी, यही हमारा डिनर था। और बस व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पर कर रही हूँ, मिलूँगी आपसे कल। जय माता दी, जय सियाराम, शुभ रात्रि।